जीवन संसार को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बने बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवन संसार में। दोस्तों आप जानते हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि वो खूबसूरत दिखे, यंग दिखे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एज के पहले ही काफी बार झुर्रियां आ जाती है। खासकर आपने देखा होगा काफी लोग यंग एज में भी उनके माथे पर या फिर फोरहेड पर झुर्रियां रिंकल्स आ जाती है, और जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहते हैं या फिर उन्हें अंदर से एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी दिखने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से उनकी एज बड़ी दिखती है, वो एक बुढ़ापे का संकेत दिखता है, और साथ में इसकी वजह से काफ़ी बार लोग चिंतित होते हैं। मेन जो रीज़न होता है दोस्तों आपकी जो झुर्रियों का माथे की, तो वो होता है आपकी अगर लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा थकान है या फिर बहुत ज़्यादा तनाव वाली ज़िंदगी जीते हैं आप, तो ये दोनों इसके प्रमुख कारण में से। इसके साथ में काफ़ी बार अगर आप किसी तरीके के पोषण तत्वों की कमी है आपके भोजन में, तो ये इसका कारण हो सकता है। आपके शरीर में अगर कोलेजन की कमी है तो ये इसके कारण हो सकते हैं। तो अगर आपको इस तरीके की समस्या है तो प्लीज़ हमारी आज के इस वीडियो के नुस्खे को फॉलो कीजिए। ये आपके अगर माथे पर झुर्रियाँ या फिर अगर आपके चेहरे पर भी झुर्रियाँ तो उसको हटाने में काफ़ी इफेक्टिव है, ये आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगा। तो बात करते हैं इस नुस्खे के बारे में। दोस्तों बात करते हैं इस नुस्खे के लिए आपको क्या क्या चाहिए, किस तरीके से आप अपने जो माथे के रिंकल्स हैं या फिर फोरहेड के रिंकल्स हैं उनको इजीली हटा सकते हैं। तो इसके लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए जैतून का तेल। आप एक से आधा चम्मच जैतून का तेल ले लीजिए, जिसको ऑलिव ऑयल भी बोलते हैं। ये आसानी से आपको आपके घर पर मिल जाएगा। और इसके साथ में आपको चाहिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा काफ़ी इफेक्टिव रहती है रिंकल्स जैसी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, जिस तरीके से जैतून का तेल, क्योंकि इनमें काफ़ी मात्रा में विटामिन ई भी रहता है और दूसरे विटामिन होते हैं जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करते हैं, नई स्किन बनाने में भी हेल्प करते हैं। तो आप इसमें एलोवेरा जेल मिला लीजिए इस तरीके से। आप इसको अच्छे से इस तरीके से मिला लीजिए, और इसके साथ में आप इसमें थोड़ा सा बादाम का तेल डाल दीजिए, जो कि काफ़ी इफेक्टिव रहता है स्किन की प्रॉब्लम के लिए। विटामिन ई भी इसमें काफ़ी ज़्यादा रहता है। आप इस तरीके से इस पूरे मिक्सचर को मिला लीजिए, और रेगुलर बेसिस पे आप अपने जो रात को जब भी सोते तो आप इसको अपने माथे के जो भी रिंकल्स के एरिया उस पर अप्लाई कीजिए। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी स्किन जिस पे रिंकल्स है वो काफ़ी हद तक उसकी जो फाइन लाइन है वो ख़त्म होना चालू हो जाएगी, और आपकी स्किन काफ़ी जवान दिखना चालू हो जाएगी। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा और आपकी स्किन को यंग नमी बना रखेगा और शाइन भी देगा। तो प्लीज़ आप इसको ट्राई कीजिए दोस्तों, और हमें बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और इस तरीके की दूसरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।